हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी इलेक्शन का समय है और कोई भी ऐसी शिक्षक भर्ती है उसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। बस एक ही है जो कि बीपीएससी टीआरई 3 है, उसमें भी उन्हीं को मौका मिलेगा जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा है। तो इस बीच में फिर आपको और कौन सी जो है भर्तियां देखने को मिल सकती हैं, तो मैं हमेशा जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है, चाहे वो नवोदय का हो चाहे वो केवीएस का हो, उसको चेक करती हूँ। तो अभी आज जो है एक इन्फॉर्मेशन मिली है और वो है नवोदय से रिलेटेड एक नई शिक्षक भर्ती। और इसमें जो है मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि इसको कौन कौन भर सकता है, आपने सीटेट किया है, बीएड, डीएलएड, साथ में इस पर कौन कौन से हैं, टीजीटी, पीजीटी हैं, कितने पोस्ट हैं, सारी चीज़ें बताऊंगी। उससे पहले बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपको सच में आगे आने वाले समय में कहीं पर भी कोई एक शिक्षक की जो है जॉब चाहिए, तो आपने देखा होगा कि आजकल जो है जो भी इलेक्शन है तो मैनिफेस्टो जारी हुआ है, तो वहीं पर आपको मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है, बहुत अरसों के बाद, बहुत समय के बाद जो है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड उसमें एक न्यूज़ आई। अब पता नहीं आगे चलकर कितना होगा या नहीं होगा, बट एटलीस्ट उस पर बात हुई है। और दूसरी चीज़ कि उसमें सब कुछ डिटेल लिखा है, उसमें केंद्रीय विद्यालय की भर्ती, ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ अच्छा हुआ और स्टूडेंट्स के हित में सब कुछ हो रहा है या फिर आगे होता है, तो आपको बहुत सारी शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, केवल यूपी में ही नहीं, आपने उस वहाँ पर देखा होगा। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एकदम से डीमोटिवेट हो चुके हैं क्योंकि तैयारी तो कर रहे हैं, इतने सालों से सीटेट निकाल रहे हैं, बट ना तो सुपर टेट की वैकेंसीज आती है, केवीएस की भी वैकेंसीज का आपको पता ही है, एक बार हो जाता है फिर आने का नाम ही नहीं लेता, ना तो नवोदय, मतलब हर जगह पे अगर आप देखें तो हर एक राज्य के स्टूडेंट्स जो हैं अपने ही जगह पर नौकरी करना चाहते हैं बट उनको वैकेंसीज नहीं मिल रही हैं। तो जो उनका मैनिफेस्टो जारी हुआ वो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आई है और उसमें आपने देखा होगा कि उन लोगों ने शिक्षक भर्ती के बारे में बात की है, प्राथमिक हो गया, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, वो भी हर एक राज्य में, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और वहीं पर इन लोगों ने जो है पद कितने होंगे ये भी बताया है, एग्ज़ाम कब होगा उसकी भी डेट जारी कर दी है और आपको ज्वाइनिंग भी इसी साल मिलेगा, ठीक है, इसकी भी उसमें डेट सब कुछ इन्फॉर्मेशन है मैनिफेस्टो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं। और अगर ऐसा होता है और अगर वैकेंसी शिक्षक भर्ती, क्योंकि शिक्षक एसएससी की जो है आपको पता ही है वैकेंसीज आती है और भी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, बट एक ऐसा टीचर रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं आता है, तो अगर ऐसा हुआ तो आपको आने वाले समय में इलेक्शन के बाद आपको यूपी में सुपर टेट भी देखने को मिल सकता है, केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय विद्यालय, यहाँ पर भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी और भी जो दूसरे स्टेट हैं, बिहार में तो होगा ही, बाकी के भी जो हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। तो आप अपनी तैयारी करते रहें क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अचानक से पेपर जो है सुपर टेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिले और आपकी तैयारी ही ना हो, ठीक है। तो इसीलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, आप सीटेट जुलाई की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए कोई अच्छी जो है प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढ रहे हैं, तो आप ओसवाल बुक्स की ये किताब ले सकते हो। इसमें आपको 1500 पेपर्स मिलेगा, पेपर वन का है, 2013 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेकआउट कर लेना, 100% अपडेटेड है। साथ में बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करने को मिलेगी, 2 पेपर्स है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी विद स्मार्ट माइंड मैप्स, एंड यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी भी बताई गई है किस तरीके से आप इसको क्लियर कर सकते हो। इसमें आपको एनालिसिस भी दिया गया है जिसके वजह से आप अपने वीक पॉइंट्स पे काम कर सकते हैं। ये आप यहाँ पर देखिए, ये इनका पूरा कंटेंट है, ये पूरा आप इंडेक्स देख सकते हो, ये यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताई गई है कि किस तरीके से आप सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। साथ में 1 to 5 का सिलेबस भी दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। और ये एनालिसिस है, यहां से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके, कहां पर आपकी क्या मिस्टेक हो रही है, आप उसको अपना इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको यहां का इनका जो है क्वेश्चन पेपर दिखाती हूं। ये देखिए, ये सॉल्व पेपर से आपका 21 जनवरी का है और 150 मार्क्स हैं। साथ में पूरे क्वेश्चंस को काफी अच्छे से इन्होंने यहाँ पर डिजाइन किया है और सबसे अच्छी बात यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी इनका आंसर। ये देखिए, यहाँ पर आपको सारा आंसर की भी मिलेगा, साथ में इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर देखिए डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, तो जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं जरूर बताना, ये 1 to 5 का सॉल्व पेपर है और सॉल्व बुक्स की आप इसे ले सकते हो। इस बीच में जो भी वैकेंसीज आती है उससे रिलेटेड आपको फॉर्म भरना है, तैयारी करनी है। और कई जगह आपने देखा होगा इसमें निःशुल्क फॉर्म की भी बात की गई है, ठीक है, जो ये इनका जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है। अच्छा, ये वाली वैकेंसीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि इंग्लिश का वेटेज रहता है अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर नवोदय की, और इंटरव्यू का तो खास तौर पे बहुत सारी आपने देखा होगा कि जो अपर वाले पोस्ट होते हैं ना वहाँ पर इंटरव्यू होता है, कुछ लोगों के मन में इंटरव्यू का जो है फियर भी होता है। और अगर आपके पास किसी भी नवोदय या फिर केवीएस का जो है एक्सपीरियंस है ना, तो आगे आने वाली परमानेंट वैकेंसीज में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये जो नई शिक्षक भर्ती है, आपको पता है कि चुनाव के बीच में तो परमानेंट तो आएंगे नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज का जो है हर एक राज्य में धीरे धीरे जो है आता है, जैसे केंद्रीय विद्यालय का कुछ दिन पहले आया, अभी नवोदय का आया है। तो यहाँ पर ये नवोदय की जो वैकेंसीज है ये भोपाल में आई हुई है और इसमें 514 के आसपास पोस्ट है,
भोपाल वाले तो भर ही सकते हैं, और मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपको इंटरव्यू देना है, आपका होस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो हर एक स्टेट का, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की है वैकेंसीज, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, आप भी जानते हो। तो आप इसका मान लीजिए अगर आपका इसमें हो जाता है, और अभी परमानेंट नवोदय जो है उसकी वैकेंसीज भी आएगी साल के लास्ट तक, या फिर KBS का, तो वहाँ पर जो लिखने के लिए आता है ना बायोडाटा में, इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और ये आपका TGT हो गया, PGT हो गया, बस इन सब चीज़ों के लिए ना CTET जो है काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप भी जानते हो कि TGT में आपका CTET मांगेगा, PRT में आपका CTET मांगेगा, और अगर आपका Paper 1 क्लियर है, Paper 2 नहीं क्लियर है, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप जूनियर वाली वैकेंसीज में अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसीलिए जो उसके थोड़ी देर पहले आपने एक वीडियोज़ देखा होगा, वहाँ पर मैंने CTET प्रीवियस पेपर से ही रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग पूछते भी हैं। तो CTET तो आपका हर हाल में पास होना चाहिए, अगर आपका CTET नहीं होगा तो आप अपने स्टेट का तो चलो ठीक है टेट वगैरह देके कर सकते हो, बट जो सेंट्रल वाली वैकेंसीज हैं आप उससे बाहर हो जाएंगे, ठीक है। PGT का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो TGT की वैकेंसीज है, ये आपका और ये जो आपका PGT है, ये दोनों जो है आपको अभी देखने को मिल सकता है, और मतलब परमानेंट तो मिलेगा ही, बट अभी ये जो है कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज है, और इसमें 500 पोस्ट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका 16 अप्रैल से जो है स्टार्ट है, और 26 अप्रैल मतलब इस बीच में जो है ये इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन है। इंटरव्यू की जो डेट है वो है 16 मई, टेंटेटिव है। तो इसमें सबसे पहले आपको जाना है navoday.gov.in भोपाल वाले वेबसाइट पे, वहाँ पर जो है लिंक आपको दिख जाएगा ऊपर ही, वहाँ से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कर लेना है। उसके बाद से जो है आप मेल वगैरह फ़ोन नंबर सब कुछ इसमें अपना फिल कर दीजिएगा, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद से आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा, उसके बाद से आपको इंटरव्यू देना है, देन अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हो उसी समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाता है और आपकी इसमें जॉब लग जाएगी। सैलरी आपको पता ही है कि इसकी 35,000 स्टार्टिंग में है और TGT की 34,000 है, ठीक है। अच्छा, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो एलिजिबिलिटी बहुत सारे लोग यही पूछना चाहेंगे कि इसमें हम भर सकते हैं नहीं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, साथ में आपका BEd है और CTET का Paper 2 पास है, तो आप TGT के लिए जा सकते हो। PGT में आपको केवल PG आपका चाहिए, ठीक है, इसमें CTET नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पर विषय है हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स हो गया आपका, केमिस्ट्री होगा, बायो हो गया, इन सभी के पोस्ट पे आए हैं। और जो TGT है इसका भी हिंदी हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इन सभी विषयों पे आया है। तो TGT PGT दोनों के लिए आप कर सकते हो। और मान लो अगर आपका Paper 2 ही नहीं क्लियर है, तो ऑब्वियसली बात है आप अगर PGT के लिए जाना चाहेंगे तो PG जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़ की यहाँ पर CTET और BEd वालों को ही मौका मिल रहा है, DLED वालों को नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि नवोदय की जो वैकेंसीज होती है वो रेजिडेंशियल ही है, होता है, आपको पता ही है, वहाँ पे रहना होता है, और 1 to 5 की इसलिए वैकेंसीज नहीं होती, इतने छोटे बच्चे थोड़ी ना वहाँ पे रह के पढ़ सकते हैं। तो ये इसलिए 6 से स्टार्ट है, तो इसलिए यहाँ पर ना हमको 6 से ही वैकेंसीज देखने को मिलती है, TGT हो गया, PGT हो गया, हायर पोस्ट की ही देखने को मिलती है, बट बहुत अच्छी होती है, आपको भी पता है नवोदय में हर कोई टीचर बनना चाहता है, क्योंकि परमानेंट तो बनना ही चाहते हैं, साथ में कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए भी इसमें काफ़ी टफ कंपटीशन होता है, क्योंकि एक इंटरव्यू होना है, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर इसका वेटेज आपको परमानेंट वाले में मिल जाता है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर, मैंने सोचा कि अगर बीच में कुछ वैकेंसीज नहीं आ रही है तो कॉन्ट्रैक्चुअल वाली आ रही है, आपको उसे भरना चाहिए। और 500 है, बट बहुत सारे लोग तो ये सोच के ही नहीं भरते हैं कि क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल लेके, तो कुछ लोग जाते हैं और उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बता दी है, बस याद रखना कि 26 अप्रैल से पहले ही आपको करना है, 26 अप्रैल के बाद से ऑनलाइन एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, और मई में ही इसका इंटरव्यू है। ये परमानेंट नहीं है, इसलिए इस बीच में हो सकता है, क्योंकि आपको पता है आचार संहिता लगा हुआ है। तो CTET और BEd वालों को मौका मिल रहा है, और DLED वाले जो है वो केंद्रीय विद्यालय की जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आती हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, जब आएगा वो भी मैं आपको अपने चैनल से बता दूंगी। तो चलो मिलते हैं 1 बजे, CTET की क्लास है, और अगर आपका CTET का Paper 2 पिछली बार रह गया था तो आप इस बार CTET क्लियर कर लें, ताकि आगे आने वाली जो भी वैकेंसीज होगी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।